घंटों बीतने के बावजूद भी पोस्टमार्टम गृह पर शवों के पोस्टमार्टम न होने पर गुस्साए परिजनों ने सामने सड़क पर जाम लगा दिया। ये जाम लगभग आधे घंटे तक चला, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बाद में मौके पर पहुंचे सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने जल्द पोस्टमार्टम का आश्वासन देकर परिजनों का गुस्सा शांत किया। पोस्टमार्टम गृह के सामने सड़क पर जाम लगाते ये सभी लोग शवों के साथ आने वाले उनके परिजन हैं, जो पोस्टमार्टम गृह की अव्यवस्थाओं से आक्रोशित होकर लगा रहे हैं सड़क पर जाम। हम आपको बता दें कि पिछले चार दिनों से पोस्टमार्टम गृह पर पोस्टमार्टम करने वाला स्वीपर अवकाश पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कई स्वीपरों को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी स्थिति में सोमवार को नए स्वीपर बुलाए गए तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें इसका अनुभव ही नहीं था, जबकि 5 शवों का पोस्टमार्टम होना था। सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक किसी एक शव का भी पोस्टमार्टम न होने पर गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम गृह के सामने ही सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जाम लगाते एक व्यक्ति ने बताया कि वो रात से ही शव लेकर बैठे हैं, लेकिन घंटों बीतने पर भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। लगभग 25 मिनट तक लगे जाम की सूचना मिलते ही सिविल लाइन चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए और जल्द ही पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सवेरे बथुआ बेगने गए थे तो एक्सीडेंट हुआ था ना वैली पे, करीब 3:30 बजे से करीब वहाँ पे हुआ था, तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, ना कुछ सुन रहा है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ बोल ही नहीं। आते हटो आगे चलो ऐसे कह देते, हमें हो गए 5 घंटे सुबह से ही नहीं डोल रहे, कोई नहीं सुन रहा है हमारी, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। हमारा लड़का सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हो गया, 3 बजे से यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर सब मिलने वाले, सब जान पहचान के डॉक्टर, सुबह आगे 8:30 बजे स्वीपर कोई नहीं है, तो क्या 1 बज गया, 2 स्वीपर आए भी तो थे, आए वो चले गए, उन्होंने कहा हमें पलटी हो रही है, हमें जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है, चले गए, ये दिक्कत। आज 1 बज गए, घर पे है, बच्चे भी परेशान है, औरतें भी परेशान है, रिश्तेदार भी परेशान है, आप अकेले परेशान नहीं हो, और लोग भी बॉडी और सारे परेशान है, और भी बॉडी सभी परेशान है, हम लोग सभी परेशान है, 4-5 बॉडी है, कल भी यही ड्रामा हुआ, आज भी 3-4 दिन से लगातार यही ड्रामा हो रहा है। शिकायत के लिए कौन कोई सुनने तैयार है, कौन सुनने तैयार है, आप बताइए, जब हार के ये करना पड़ा है।